विमुद्रीकरण को पूरी बर्षे सरकार पदक्षेप केते दूर सफल होई से नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ति बहु बीजेपी नेता। आज 8 नवंबर भारतीय जनता पार्टी इस दिन को काला धन विरोधी दिवस देश भर में मना रही है। आज से एक साल पहले इसी दिन देश की जननेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अत्यंत साहसिक निर्णय किया था, जिसकी देश विदेश में भारत की अर्थनीति को एक नई ऊंचाई दी है, उसी की यादगार में पार्टी ने तय किया एंटी ब्लैक मनी डे 8 नवंबर को मनाया जाए। विपक्ष तो ये बोलेगा, इसका पूरा जवाब है देश ईमानदार हो रहा है, अधिक लोग टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को क्या हो गया? क्या वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडिया इनकरेक्ट कांग्रेस बनने बनाने पर पड़े हुए हैं क्या? लास्ट ईयर ऑन दिस डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस डीमोनेटाइजेशन। It was a historic decision, and it was not the only decision Modi government took. In our relentless fight against black money and corruption, Modi government has taken series of decisions, and therefore today BJP is observing all over the country एंटी ब्लैक मनी डे के बाद एक घोटाले वाली सरकार, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखना चाहते हैं, काले धन पे प्रहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरा देश और दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सराहना कर रही है। ये कांग्रेस के पूरे एग्जिस्टेंस और अस्तित्व में आज खतरा है, इससे कांग्रेस बौखला गई है। जो देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, उस देश को पुनर्निर्माण करने के लिए मोदी जी जो काम करे उसमें हम सब लोग मिलकर